नमस्ते, आप सभी को स्वागत है सुबह या सुबह में स्टॉक मार्केट टेक्निकल ट्रेनिंग में। आज का सब्जेक्ट है RSI। RSI एक इंडिकेटर है, ये भी एक फॉर्मूला के ऊपर बेस करके बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। RSI is equal to 100 minus 100 pi 1 plus RS। RS का मतलब है एवरेज एक्स डे अप, एवरेज एक्स डे अप क्लोज, एवरेज बाय एक्स डे अप क्लोज बाय एक्स डे डाउन क्लोज। ये एक्स का मतलब है नंबर ऑफ डे। तो ये है फॉर्मूला इसका, और ये है इंडिकेटर। तो इस इंडिकेटर से हम लोगों को इसी स्टॉक का पता चलेगा कि ये कब बढ़ेगा, कितना दिन तक बढ़ेगा, और इसका ट्रेंड कब चेंज होता है, इसको हम लोग पहले से पता लगा सकते हैं इस इंडिकेटर के द्वारा। इसका रेंज होता है, इस रेंज में ये काम करता है, उसके ऊपर नहीं जाता है, इसके नीचे भी नहीं आता है। तो इसका रेंज है 0, इसके नीचे जाएगा नहीं, मतलब ये इंडिकेटर जाएगा नहीं, स्टॉक जा ही सकता है, ये इंडिकेटर जाएगा नहीं। और ये ऊपर नीचे 0.30, ऊपर 7 to 100, और बीच में ये है ओवरबॉट एरिया, ओवर हीटेड एरिया। ये है ओवर हीटेड एरिया और ये है अंडर वैल्यू एरिया। तो कुछ स्टॉक ऐसे नीचे आएगा, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते करते ऐसे करता है, और साथ में प्राइस भी ओपन हाई लो क्लोज ऐसे करते करते ये भी ऐसे ऊपर नीचे जाता है। और ये RSI स्टैंडर्ड स्टॉक्स में ही एप्लीकेबल होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टॉक्स में ये सब फॉलो किया जाता है। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट, ये हो गया ऊपर जब जा रहा था कोई स्टॉक तब, अब कोई स्टॉक नीचे आ रहा है तब क्या करेगा, सेम इसका अपोजिट करेगा। ये ऊपर से नीचे आया, ये
ये होता है इसका रिलेशनशिप विथ इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया स्टॉक्स, स्टैंडर्ड स्टॉक्स में ही देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ट्रेंड, RSI में भी हम लोग ट्रेंड देखेंगे, तो उससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि स्टॉक कब ट्रेंड अपना स्ट्रेंथ कब चेंज करता है। ये RSI ऊपर जा रहा था ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे एक ट्रेंड बना रहा था, ये लो लो लो, यहाँ पे एक लो बनाया, यहाँ पे एक लो बनाया, यहाँ पे लो बनाया, लेकिन यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये नीचे आ गया। अब स्टॉक क्या कर रहा था, ऊपर 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 गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, हाई ब्रेक किया, नीचे आया, वो भी सेम ही कर रहा था। लेकिन यहाँ पे आया फिर ऊपर उठ गया, यहाँ पे या फिर यहाँ पे ये रह गया। स्टॉक में आपको पता नहीं चलेगा कि RSI में कब ट्रेंड ब्रेक कर दिया। यहाँ पे जब ब्रेक करता है और ये ऊपर जा रहा है तब हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, वो नीचे आएगा ही आएगा, उसके बाद वो ऐसे नीचे आ जाता है। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड स्टॉक में फॉलो रखेंगे। जब ये ट्रेंड RSI में ट्रेंड जब ब्रेक होता है, दैट मीन ये अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है। ये हो गया ट्रेंड ब्रेक करने वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है एक RSI में ऐसे ऊपर नीचे ऐसे हो रहा था एक ही जगह पे। ये हम लोग एक लाइन खींच लेंगे, जिस दिन RSI ये ऐसे ब्रेक कर दिया और स्टॉक में भी ऐसे ही ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कुछ इधर उधर हो रहा था, जिस दिन यहाँ से RSI में ब्रेकआउट मिलेगा उस ब्रेकआउट में हम लोग एंट्री लेंगे। उसके बाद वो खींच के ले जाता है, ऐसा कुछ पिक्चर बनाता है।
इसे आरएसआई ट्रेंड ब्रेकआउट कहते हैं। नेक्स्ट आता है रिवर्सल फ्रॉम 50। इसका मतलब क्या है, कुछ तक ऐसे ऊपर उठा, इधर रहा बहुत दिन, इधर आ गया। यहाँ पे एक पॉइंट है, वो है 50 में स्ट्रेट कट इधर से इधर आ गया, तो यहाँ से एक रिवर्सल होता है। ऐसे ऐसे नीचे आया, ये हो गया रिवर्सल। जब कोई स्टॉक ऊपर से नीचे आता है, डायरेक्ट 50 तक आ जाता है, यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं। तो ये हो गया रिवर्सल फ्रॉम 50। ये आरएसआई का एक फॉर्मूला है। तो चलिए इन सभी को देख लेते हैं। ये है TCS। TCS में कैसे RSI काम करता है, ये स्टैंडर्ड स्टॉक मतलब जिसका फ्यूचर है, जिसका फ्यूचर ऑप्शन है एंड स्टॉक में मूव है, वो होता है स्टैंडर्ड स्टॉक। ऐसे ओपन किया, यहाँ पे देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, देखिए इसको हम लोग डेली में भी देख सकते हैं, वीकली में भी देखेंगे एंड मंथली में भी देखेंगे। थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मंथली, बट वीकली वेज ओके। तो इसमें हम लोग एक ट्रेंड खींचेंगे, ये हो गया ट्रेंड इसका। नीचे आया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे एक ब्रेक किया था, ये ब्रेक करके इसका यहाँ का पॉइंट है 52, यहाँ से ब्रेक किया, 50 तक आया, आके फिर से ऊपर चला गया, तो ये स्ट्रेट हो गया। ये एक ट्रेंड में, ये ट्रेंड भी ब्रेक किया था, तो ये 14 सेट से नीचे कब तक आया, कहाँ तक स्टॉक में देख लेते हैं। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं, डायरेक्ट ब्रेक किया था, देखिए डायरेक्ट ब्रेक किया, यहाँ पे कुछ दिन वेट किया, फिर से ऊपर चला गया। तो ये 50% से 50 रिवर्सल हो गया, रिवर्सल फ्रॉम 50 हो गया, 50 तक आया, फिर से ऊपर चला गया। ये हो गया वीकली में, और ये अभी भी फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर चला जाएगा। अगर इसको ब्रेक नहीं किया तो चलिए डेली में देख लेते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं।
देखिए कोई स्टॉक जब ये TCS जब इस एरिया में चला जाता है 70 के ऊपर 80 के ऊपर गया 1600 1629, राइट लेफ्ट साइड में आप ओपन हाई लो क्लोज देख सकते हैं प्राइस का, गया वहाँ से नीचे आ गया 200 रुपये का एक मूव हो गया, फिर से ये ऊपर गया 1780, फिर से नीचे आ गया, तो इन सब एरिया में देख लेते हैं, एक बार लगाएंगे यहाँ पे भी एक लगाएंगे ये ओवर हीटेड एरिया में, देखिए ओवर हीटेड एरिया हो गया बहुत बढ़ गया वहाँ से नीचे आ गया, यहाँ पे भी नीचे आया लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया और फिर से ऊपर लेके चला गया। जब कोई स्टॉक ऐसे नीचे नहीं आता है लो को ब्रेक नहीं करता है तो बहुत स्ट्रेंथ रहता है तो वो फिर से खींच के ऊपर ले जाता है। अब नीचे नीचे की तरफ भी देख लेते हैं, देखिए यहाँ ओवर सोल्ड एरिया यहाँ पे नीचे आया था सबसे नीचे RSI 1025, मार्केट खराब है ये है वो से बोल के यहाँ से ऊपर ले गया। स्टैंडर्ड स्टॉक्स में आप लोगों को ये देखना है और साथ में वीकली भी देख लीजिएगा। तो आज का सब्जेक्ट यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच, शेयर कीजिए लाइक कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।